नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। आज घातक के स्पेशल एडिशन में हम आपको दिखा रहे हैं 2020 के वो घातक जिससे हो जाएंगे दुश्मन ढेर। ये वो हथियार हैं जो या तो साल 2020 में हिंद की जंगी सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे या फिर जरूरत पड़ने पर अपना पराक्रम दिखा सकते हैं। शुरुआत करते हैं ऐसे योद्धा के साथ जो दुश्मनों का काल है। इसके आते ही नापाक मंसूबे रखने वाले शत्रु भूमि पर हड़कंप मच जाएगा उनकी जमीन पर। पहला S-400 साल 2020 में ही भारत को रूस से मिलने वाला है। बताते हैं आपको कि क्यों खास है ये शत्रु संहारक मिसाइल सिस्टम। सरहद पर तनाव के बीच इसके होने का मतलब आखिर क्या है। तारीख 27 फरवरी 2019 जम्मू के राजौरी जिले में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की। वायुसेना के मुस्तैद लड़ाकू विमान मिराज 2000 ने इन पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया। दुश्मन जेट का पीछा करते करते भारतीय शेर अभिनंदन POK में दाखिल हो गए। हालांकि उन्हें भी विमान में आई तकनीकी खराबी के चलते शत्रु भूमि पर ही उतरना पड़ा। अगर इस वक्त हिंदुस्तान के पास S-400 मिसाइल सिस्टम होता तो जमीन से ही पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों के परखच्चे उड़ा दिए जाते। इस मिशन को अंजाम देने से पहले ये विध्वंसक हथियार रडार की मदद से संभावित हमले का पता लगाते। अगले कदम के तौर पर ये मालूम करता कि हमला कहां से किया जाएगा, इसकी सटीक लोकेशन को डीकोड करता और फिर धरती से रडार की मदद से संभावित हमले का पता लगाते। अगले कदम के तौर पर ये मालूम करता कि हमला कहां से किया जाएगा, इसकी सटीक लोकेशन को डीकोड करता और फिर धरती से आसमान में अचूक वार से दुश्मन विमानों को तहस नहस कर देता। ऐसे में हैरानी नहीं होगी अगर सुपर पावर F-400 यमराज के सामने पाकिस्तानी फाइटर जेट उड़ भी न पाए। मिसाल के तौर पर समझिए कि भारतीय एयरबेस आदमपुर में S-400 सिस्टम तैनात है और वहां से 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी एयरबेस सरगोधा से किसी फाइटर ने उड़ान भरी तो S-400 फौरन उसकी पहचान करके उसे पाकिस्तानी हवाई सीमा में ही मार गिराएगा, क्योंकि S-400 400 किलोमीटर की दूरी तक अपने शत्रु लक्ष्य पर हमला करके उसे नष्ट करने में सक्षम है। S-400 सिस्टम में चार आसमान के घातक योद्धा रफेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। साल 2020 में आसमान के इस शत्रु संहारक की पहली किश्त भारत को मिलने वाली है। तकरीबन 4 रफेल 2020 में हिंद के वायु वीरों में शामिल हो जाएंगे। दुश्मन देश के जंगी विमानों को कैसे आकाश का ये शिकारी ध्वस्त कर देगा, क्यों इसके आने से पाकिस्तान को छोटी सी गुस्ताखी बेहद भारी पड़ेगी, वो देखिए। अब
अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए दो सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए तो जाहिर F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल भाई जानी का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 फिफ्थ जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब देखिए आर पार की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, पाकिस्तान के F-16 का या भारत के राफेल का। दोनों ही विमान अधिकतम 50,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में एक चीज जो आमने सामने की लड़ाई में राफेल को F-16 से बेहतर बनाती है वो है रेट ऑफ क्लाइम, यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है। राफेल एक मिनट में 18,288 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और इसके उलट F-16 का रेट ऑफ क्लाइम है सिर्फ 15,240 मीटर प्रति मिनट। डॉग फाइट में फायदा उसे होता है जो दुश्मन को जल्दी से जल्दी और पहले निशाना बनाए। इसके लिए किसी भी फाइटर जेट को पहले ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचना होता है। ज्यादा क्लाइम रेट मतलब ऊंचाई तक तेजी से जाने की ताकत। पाकिस्तान का F-16 जब तक ऊंचाई पकड़ना शुरू करेगा राफेल अटैक कर भी चुका होगा। अब देखिए रेंज और एक साथ कई टारगेट पर निशाना साधने की ताकत में कौन अव्वल है। पाकिस्तान के F-16 की अधिकतम रेंज है 84 किलोमीटर की दूरी से 20 टारगेट। दूसरी तरफ राफेल 100 किलोमीटर की दूरी से 40 टारगेट एक साथ लॉक कर सकता है, यानी राफेल सर्जिकल स्ट्राइक करने गया तो एक बार में आतंकियों के 40 ठिकानों को ध्वस्त कर देगा और धमाके की आवाज रुकने से पहले अगले 40 ठिकानों के सफाई की तैयारी कर चुका होगा। राफेल का ये आक्रमण दुश्मनों को न सोचने का वक्त देगा न समझने का, उनके सामने सिर्फ आत्मसमर्पण की ही गुंजाइश बाकी बचेगी। राफेल तो भारत फ्रांस से खरीद रहा है, लेकिन हिंदुस्तान पांचवी पीढ़ी का अदृश्य लड़ाकू विमान भी तैयार कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि साल 2020 में इस आसमानी योद्धा पर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएंगी। ये भारत का ऐसा अदृश्य हथियार होगा जिसके प्रहार की भनक जब तक दुश्मन को लगेगी उसका काम तमाम हो चुका होगा। भारत का ये वो सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो अगले कुछ वर्षों में तैयार हो जाएगा और जब भारत का ये ब्रह्मास्त्र वार करेगा तो शत्रु भूमि पर हड़कंप मच जाएगा। हिंदुस्तान एक ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास है। ये पांचवी पीढ़ी का वो लड़ाकू विमान है जिसके टारगेट पर लॉक होते ही देश के मोस्ट वांटेड भी खाक में मिल जाएंगे। इस फाइटर को पूरी तरह तैयार करने के बाद भारत फिफ्थ जनरेशन जेट बनाने वाला चौथा देश बन जाएगा।
दुनिया में इस वक्त तीन देशों ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है और वो अपने स्टेल्थ विमानों को तैयार कर चुके हैं या जल्द वायु सेना में शामिल कर सकते हैं। ये फाइटर जेट है अमेरिका का F-22, रूस का सुखोई 57, चीन का J-20 और J-31। लेकिन इस स्टेल्थ क्लब में अब भारत भी जल्दी एंट्री करने वाला है, क्योंकि भारत के स्वदेशी स्टेल्थ विमान का डिजाइन पूरा हो गया है। ये है AMCA, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट। ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। ये पूरी तरह स्टेल्थ होगा, यानी ये रेडार पर नजर नहीं आएगा। खामोशी से आकर ये अपने मिशन को अंजाम देकर आसमान को चीरता हुआ निकल जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे दमदार लड़ाकू विमान, ये कारनामा कर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया फतह करेगा। दरअसल रडार आसमान में जब किसी विमान को ट्रैक करता है तो वो इसकी रेडियो तरंगें भेजता है। ये तरंगें किसी भी उड़ते हुए ठोस सामान यानी विमान से टकराती हैं तो वापस रडार तक लौटती हैं। इसी तरह विमान का पता चलता है, इसी के जरिए उसकी रफ्तार, लोकेशन और ऊंचाई की जानकारी मालूम चलती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये तरंगें रडार के पास लौटे ही नहीं तो क्या होगा? क्या विमान का पता चलेगा? बस यहीं से स्टेल्थ तकनीक को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि स्टेल्थ विमान इन तरंगों को वापस लौटने नहीं देते। स्टेल्थ विमान की बॉडी को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो रडार की तरंगों को डिफ्लेक्ट यानी दूसरी दिशा में मोड़ देता है। इन विमानों में ऐसी कोटिंग की जाती है जो रडार की तरंगों को वापस न भेजकर अपने में जज्ब कर लेती है या उसे मोड़ देती है। करीब 20 टन वजन वाला ये विमान F-22 जितना ही बड़ा होगा। एमका के मार्क 1 में अमेरिका का GE-414 इंजन लगाया जाएगा, जो अभी तेजस में भी इस्तेमाल हो रहा है। वहीं मार्क 2 में इससे भी ताकतवर 110 किलो के दो इंजन लगे होंगे। आसान शब्दों में कहें तो एमका के मार्क 2 इंजन इतने ताकतवर होंगे जितने 150 छोटी कारों के होते हैं। F-35 और F-22 की तरह एमका में हथियार छिपाने के लिए जगह होंगी, ताकि इसके हथियार छिपाने की खूबी बनी रहे। ये दुश्मन की रेंज में जाकर मिसाइलों और बमों को लॉन्च कर पाएगा और सब कुछ ठीक चला तो ये 2024 से 2025 के बीच उड़ान भरेगा। इसके बाद एमका के फ्लाइंग टेस्ट और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग चलती रहेगी और फिर जाकर 2029 तक एमका मार्क 1 का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। रफाल और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अलावा उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बहुत जल्द हमारे वायुवीरों को घातक ग्रिपेन भी मिल सकता है। रफ्तार 2770 किलोमीटर प्रति घंटा, सेंसर के साथ अत्याधुनिक रडार, फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट, ये स्वीडन का ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान है, जिसे 21वीं सदी का बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये न सिर्फ हवा से हवा में लंबी दूरी तक वार कर सकता है, बल्कि ये एंटी शिप मिसाइल क्षमता से भी लैस है। ये हवा से जमीन पर और समंदर में कहर बरपा सकता है। ये फाइटर 16,500 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। ये 27mm की माउजर B-27 गन से लैस है। इससे गाइडेड बम भी गिराए जा सकते हैं। ग्रिपेन में इंफ्रारेड सर्चिंग ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डेटा लिंक टेक्नोलॉजी है, जो पायलट और को पायलट को हर जरूरी जानकारी मुहैया कराने में मददगार है। You are the heart of the art of mind.
से ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने में भारत की भी खासी दिलचस्पी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तेजस जैसे लड़ाकू विमान पहले से हैं। फ्रांस से राफेल, रूस से सुखोई के लेटेस्ट वर्जन की डील भी पक्की हो चुकी है, ऐसे में ग्रिपेन की क्या जरूरत। दरअसल चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार बढ़ती हुई चुनौती को देखते हुए भारत को ज्यादा से ज्यादा फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमानों की जरूरत है, इसलिए घातक ग्रिपेन पर हर किसी की नजर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।